अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ खूबसूरत से नेक लाइन की डिज़ाइनिंग, और वो भी बगैर किसी कटिंग के। पहले हम सारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम शर्ट पे इसकी कटिंग करेंगे। तो अब किस तरह से करनी है, सबसे पहले तो आपने कोई भी ज्वाइंट लेंस ले लेनी है, ठीक है, और उसको आपने इस तरह से रखना है। फैब्रिक की सीधी साइड पर आपने लेस को उल्टा रखना है, यानी कि लेस की सीधी साइड और फैब्रिक की सीधी साइड आमने सामने हो। इस तरह से आपने किनारे की सिलाई लगा लेनी है ज्वाइंट लेस के ऊपर। सिलाई यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब इसकी बारीक सी पाइपिंग बनाते हुए लेस को पलट लेना है। यहाँ पे देखिए खुदी से इस तरह से बारीक सी पाइपिंग निकलती जाएगी। जितना लेस का किनारा हमने सिलाई में दबाया उतनी ही यहाँ पे पाइपिंग बनती जाएगी। ये सिलाई भी कंप्लीट होगी। अब इसके बाद यहाँ पे जो लेस के दूसरी साइड है, यानी कि दूसरे किनारे पे सिलाई लगा लेनी ताकि लेस यहाँ पे फिक्स हो जाए फैब्रिक के साथ, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने यहाँ पे इतना मार्जिन छोड़ना है फैब्रिक का जितनी आपने चौड़ाई में पट्टी ली होगी, यानी कि ज्वाइंट लेस ली होगी जितनी आपने पट्टी रेडी करनी होगी। अब ये यहाँ पे मेरे पास तैयार जो पट्टी आएगी, ठीक है, वो मेरे पास आ रही है 1 इंच, तो मैंने 1 इंच ही यहाँ पे 0.7 इंच की फैब्रिक ली है सिलाई के मार्जिन के लिए। बस ये आपने जहन में रखना है। अब यहाँ पे मैंने नेक लाइन की चौड़ाई का मार्क किया 4 इंचेस पे। अब जितना ब्रॉड पहनते हैं उससे आपने 0.5 इंच बढ़ा के यहाँ पे मार्क करना है। नॉर्मली मैं 3.5 इंचेस पे बनाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने 0.5 इंच बढ़ा के 4 इंचेस पे मार्क किया इस तरह से। बस जितना आप नेकलाइन चौड़ा पहनते हैं उसमें आपने 0.5 इंच ऐड करके फिर यहाँ पे आपने नेकलाइन की चौड़ाई के लिए मार्किंग कर ली है। अब इसमें खास बात ये है कि पहले सारी की सारी मार्किंग होगी, पट्टी स्टिच हो जाएगी, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे नेकलाइन को डीप में रख रही हूँ 8.5 इंचेस पे। अच्छा, लार्ज साइज़ की शर्ट है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। डीप इसको मैं रखा है 8.5 इंचेस, और इस तरह से इसको लाइन से ज्वाइन कर लिए पॉइंट्स को, ठीक है। अब इसके बाद आपने ऊपर से इंच स्टेप को रखना है और यहाँ पे 16 इंचेस पे मार्क करना है। आप 17 इंचेस तक भी इसको कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 16 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। अब इसके बाद आपने क्या करना है, पट्टी को आपने इस तरह से, यहाँ पे पट्टी हमने ओवरलैप नहीं करनी बल्कि साथ साथ रख के लगानी है। तो जितनी पट्टी आपने शो करनी है उतना ही यहाँ पे आपने निशान लगाना है, ठीक है, यानी कि इतनी पट्टी मेरी शो हुई तो वहीं पे मैंने मार्क किया है। यहाँ पे पट्टियों को ओवरलैप नहीं करना बल्कि साथ साथ रखना है, तो इस तरह से आपने मार्किंग करनी है, ठीक है, क्रीज लाइन के साथ रखते हुए सेंटर की पट्टी को रखना है और जितनी पट्टी आप शो करना चाहते हैं उस पर मार्किंग करके यहाँ पे सीधी लाइन की मदद से ऊपर तक इसको मिला लेना है वी नेक लाइन के साथ, ठीक है। और यहाँ पे जो आप मार्किंग करें उसको आपने थोड़ा डार्क कर लेना है ताकि जब हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करें तो इसका जो इम्प्रेशन है दूसरी साइड पर भी खुद बहुत आ जाए। अब यहाँ से शर्ट को खोल लेना है और सीधी साइड की तरफ इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा आप इस तरह से प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि ये वाले निशान दूसरे साइड पे भी आ जाएं। अब इनको डार्क कर लेना है ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। अब यहाँ पे एक लाइन आपने यहाँ पे लगा लेनी है ताकि दोनों पट्टियों को जब हम नीचे की तरफ टर्न करें तो सेम पॉइंट से करें, ठीक है, ये हो जाएगी सिंपल सी मार्किंग। अब यहाँ पे आपने कोई कटिंग नहीं करनी। अच्छा, उल्टी साइड पे एंड पे जैसे बुकरम का एक पीस लगा के आपने उसको पेस्ट कर लेना है, एंड पे लगाना है, ठीक है, ये सिंपल सी मार्किंग होगी। अब सारी की सारी पट्टी स्टिच हो जाएगी, फिर हम उसके बाद कटिंग करेंगे। तो इससे ये होगा कि आपको अगर पट्टी लगाने में पट्टी आगे पीछे हो जाती तो उसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से फिर से आप पट्टी को चेक कर लें कि निशान मेरे सही लगे हैं कि नहीं लगे, ठीक है, जो क्रीज बनी हुई है सेंटर में शर्ट के उसके एक साइड पे दूसरे पे पट्टी को रखें, तो यहाँ पे आप अपनी मार्किंग चेक कर सकते हैं कि मार्किंग सही हुई है कि नहीं हुई। अब यहाँ से पट्टी को लगाना स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने 1 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ा था ना, इसके यहाँ पे 2 फायदे होने वाले हैं। अब
क्या फ़ायदा होने वाला है वो आप साथ साथ देखते जाएं। अब जो लेस वाली सिलाई थी ना, लेस के साथ जो दूसरी सिलाई हमने लगाई थी, उसी को आपने मार्किंग वाले पार्ट पे रखना है और उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है, बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करनी, ताकि आपकी लेस इक्वली शो हो। और इसको इस तरह से सीधा ले जाना है लाइन तक। यहाँ पे देखिए, इस तरह से जो लाइन लगाई हुई थी ना, इस तक आपने सीधा लेके जाना है सिलाई को। उसके बाद आपने प्रेसर फुट को थोड़ा सा घुमा लेना और पट्टी को नीचे की तरफ सिलाई करना स्टार्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो मार्जिन छोड़ा हुआ था ना सिलाई के लिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो लिया हुआ था, इसको आपने जो शर्ट की क्रीज बनी हुई है सेंटर में, उसके साथ साथ रखना है, तो आपकी पट्टी ऑटोमेटिकली खुद ही सही से लगेगी। जब इसको पलटाएंगे तो बिल्कुल बराबर बराबर दोनों पट्टियाँ आएंगी। उसको आपने मार्जिन बना के इस तरह से रखना है। अब यहाँ से इसको चेक आप कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल सेंटर के साथ साथ आ रही है जो क्रीज बनी हुई है यहाँ पे शर्ट के सेंटर में। अब इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी रखना है। जो मार्जिन वाला फैब्रिक है ना, बस वो आपका क्रीज के साथ साथ हो, तो आपकी पट्टी खुद बहुत ही सही जगह पे लगनी शुरू हो जाएगी, आगे पीछे नहीं होगी। बस ये आपने ध्यान रखना है। तो एक फ़ायदा इसका ये हो गया, और एक फ़ायदा इसका एंड पे होने वाला है, इस एक्स्ट्रा मार्जिन जो मैंने फैब्रिक का यहाँ पे लिया हुआ ना इसका। अब यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना, ताकि दोनों पट्टियों की सिलाई जो है वो बराबर बराबर आए। ठीक है, यहाँ से आपने सिलाई बिल्कुल बराबर स्टार्ट करनी है। ये ना एक पट्टी की ऊपर जा रही हो, दूसरे की नीचे जा रही हो, दोनों सिलाइयाँ दोनों पट्टियों की बराबर बराबर हो, तो यहाँ पे बेहतर है कि आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करें और उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा लें। अब यहाँ पे भी वही करना है आपने, कि सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है और नीचे से आप मार्किंग को भी साथ साथ देखते जाएं। लाइन तक बिल्कुल सीधी सिलाई, और जहाँ से लाइन लगाई थी उससे आपने फिर पट्टी को इस तरह से घुमा लेना है, सिलाई लगा लेनी है। देखिए कितना सिंपल सा मेथड था। अच्छा, बाद में कटिंग का ये फ़ायदा होता है ना कि एक तो आप यहाँ से अपनी पट्टियाँ चेक कर सकते हैं, अगर इसमें कोई मसला आ रहा है सही से नहीं लगी तो आप इसको खोल के दोबारा से स्टिच कर सकते हैं। और एक ये फ़ायदा होता है कि जब कटिंग नहीं होती तो आराम से हम इनको स्टिच कर लेते हैं, वरना कहीं से इसमें खिंचाव आ रहा होता है और फिर हमसे सही से पट्टी नहीं लगती, तो इसका ये फ़ायदा होता है। जब फैब्रिक कट जाते हैं ना, उसको आप अक्सर सिलाई करते करते खींच लेते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत खिंचाव वगैरह आ जाता है, तो उसमें फिर मसला होता है, पट्टी आगे पीछे हो जाती है। अब यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है, यहाँ पे हाफ इंच ऊपर सिलाई को आपने रोक लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ पर लगाने हैं तिरछे कट। अब यहाँ पर बुकरम लगाने का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ से अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। अगर फैब्रिक हो ना तो फिर वो सही से नहीं फोल्ड होता, तो इसी वजह से यहाँ पे एंड पे बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। सिलाई के एंड तक आपने इस तरह से तिरछे कट लगा लेने हैं, नीचे से पट्टी को हटा लेना है ना, पट्टी भी साथ साथ कट करते जाए। पट्टी को हटा के आपने सिर्फ शर्ट के फैब्रिक पे तिरछे कट लगाने हैं, पट्टी पे तिरछे कट नहीं लगाने हैं। इस पार्ट को जिस तरह से फोल्ड कर लेना है, इसको प्रेस कर लें या यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लें किसी ग्लू की मदद से। आप यहाँ से पट्टियों को पलटा लें, जो एक्स्ट्रा पट्टी उसको नीचे की तरफ ले जाएं उल्टी साइड की तरफ, और यहाँ से पट्टियों को पलटा के प्रेस कर लें। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है एंड से, और पट्टियों में बिल्कुल बराबर बराबर आ गई। इसको मैंने प्रेस कर लिया, जितना नेकलाइन डीप पहनना है उस पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर मैंने 8.5 इंचेस पे मार्क किया इसको, और यहाँ पे फैब्रिक का पीस लेना है, उसको डबल फोल्ड करके प्रेस कर लेना है, और यहाँ पे इसको फिल करना है स्लिट में। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगानी है, और जहाँ से फैब्रिक फिल करना है वहाँ से फैब्रिक रख के, तो यहाँ पे फैब्रिक भी साथ साथ फिल कर लेना है। पट्टियों को अच्छे से सेट करने के बाद यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब देखिए कितनी सफाई से हमारी ये नेकलाइन की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो ये आ जाएगी इसकी फाइनल लुक। यहाँ पे आप चाहें तो बटन वगैरह या पर्ल्स भी स्टिच कर सकते हैं जहाँ पे पाइपिंग बनी हुई है।
तो यहाँ पे आप देखिए कितनी सफाई के साथ हमारा नेकलाइन बनके तैयार हो गया है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा एक बात बताना मैं भूल गई, यहाँ से इस फैब्रिक को आपने फोल्ड करके तुरपाई कर लेना है, ठीक है? तभी मैं ये एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ था।